हैदराबाद से मिली लखनऊ की 10 विकेट से शर्मनाक हार के बाद लखनऊ हुई प्लेऑफ से बाहर, तो लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने बीच मैदान में केएल राहुल को खरी खोटी सुनाई तो फूट फूट कर रो पड़े केएल राहुल। लेकिन फिर अभिषेक शर्मा ने कुछ ऐसा किया जिसने जीत लिया सभी का दिल। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ और हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ द्वारा दिए गए 166 रनों के टारगेट को चेंज करने उतरे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मैदान पर तांडव मचा दिया। इन दोनों सलामी जोड़ी ने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर 2 गेंद शेष रहते ही इस मुकाबले को 10 विकेट से लखनऊ को बुरी तरह से हरा दिया। हैदराबाद की ये जीत आईपीएल हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत है। इस हार से लखनऊ की टीम के नाम सबसे बड़ी हार का शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुका है। इस हार से लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से भी बाहर हो गई और इसी बात से हार के बाद लखनऊ की पूरी टीम काफी ज्यादा मायूस दिखी और इस शर्मनाक हार के लिए केएल राहुल को लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका ने बीच मैदान में ही काफी खरी खोटी भी सुनाई, जिसके बाद कप्तान केएल राहुल काफी ज्यादा भावुक हो गए और उन्हें मैदान में रोते हुए भी देखा गया। लेकिन तभी अभिषेक शर्मा केएल राहुल के पास आते हैं और वो केएल राहुल से काफी देर बात करके उन्हें मोटिवेट करते हैं। अभिषेक शर्मा के इस जेस्टर ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है ये दोनों टीमें क्या क्वालिफाई कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दे।